द ल्यूमिनरीज बुक के ऑथर ने जब इस सीरीज को देखा होगा ना, तो उनके रिएक्शन सही में ऐसे होंगे। हे गाइस, व्हाट इज अप। मैं बताऊंगा आपको कि द ल्यूमिनरीज जो कि नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई है वो वर्थ वॉचिंग है भी या नहीं। स्टोरी बताने से पहले आपको कुछ बातें बता दूं, जैसे कि ये सीरीज बहुत पहले आ चुकी थी और नेटफ्लिक्स ने अब इसके राइट्स खरीद के अब इसको अपलोड किया है। और ये जो सीरीज है ये एक बुक पर बेस्ड है, द ल्यूमिनरीज। और इस सीरीज की स्टोरी फॉलो करती है 80s के टाइम को, जब न्यूजीलैंड में गोल्ड निकलता था हर जगह से। इस सीरीज के अंदर टोटल 6 एपिसोड और हर एपिसोड की लेंथ लगभग 50 मिनट की है। सीरीज की स्टोरी फॉलो करती है एना को। एना ब्रिटेन से न्यूजीलैंड जाती है गोल्ड की तलाश में, ताकि वो भी एक अच्छी लाइफ जी सके। उसी शिप में जिसमें वो जाती है वहां पर भी एक इमरी नाम का कैरेक्टर है, वो भी इसी वजह से जाता है न्यूजीलैंड। उन दोनों के बीच में बातचीत होती है, अच्छा कनेक्शन बिल्डअप होता है। और जो इमरी है वो उसको होटल का एड्रेस देता है एना को, ताकि वो दोनों शाम को होटल में मिल सके, इमरी के होटल में। और आपको बता दूं कि जो एना है वो इलिटरेट है, वो पढ़ नहीं सकती। फिर जब ये शिप से उतरते हैं और एना अपने होटल की तरफ जाती है, तो उसका जो पर्स है वो चोरी हो जाता है, जिसमें उसके सारे पैसे होते हैं। फिर एना मिलती है लीडिया नाम के कैरेक्टर से। लीडिया, आपको बता दूं कि लीडिया एक एस्ट्रोलॉजर है, और रात को 10 बजे के बाद वो अपने घर पे प्रोग्राम करती है भविष्य बताने का, और सब कुछ ग्रह व्रह ज्योतिष कह लो आप अपनी इंडियन लैंग्वेज में, वो ज्योतिष है। फिर एना जो है उसको अपना जो एड्रेस था इमरी के होटल का, वो एना लीडिया को देती है, पर लीडिया उसको जानबूझ के गलत होटल का नाम बताती है, उस एड्रेस को फाड़ देती है। फिर एना उस होटल में वेट करती रहती है, गलत होटल में, और इमरी अपने होटल में वेट करता रहता है। दोनों एक दूसरे से मिल नहीं पाते, और फिर जो कुछ होता है एना की लाइफ के अंदर, इमरी की लाइफ के अंदर, वो आप इस सीरीज में ही देख पाओगे। तो गाइस बात करते हैं इसमें क्या अच्छा है और क्या बुरा। सबसे पहले अच्छी बातों की बात करें तो गाइस सीरीज की स्टोरी माइंड ब्लास्टिंग है, मतलब आप एक सेकंड भी आगे का जो होने वाला है वो प्रिडिक्ट नहीं कर पाओगे। ये नॉन प्रिडिक्टेबल स्टोरी है, इतनी कंफ्यूजिंग है कि ये आपको सोचने पे मजबूर कर देगी कि ये हो क्या रहा है और क्यों हुआ है ये सब। और जो सीरीज के अंदर VFX यूज हुए ना, मतलब लगता है कि वो 80s की स्टोरी। और बस इन दो बातों के अलावा इसमें कुछ भी अच्छा नहीं है। अब बात करते हैं इसमें बुरा क्या है। गाइस बुक से इंस्पायर्ड होकर मूवीज और स्टोरीज क्यों बनती है, ताकि हमको पता चले कि उस बुक के अंदर क्या है और हम लोगों को उसकी स्टोरी के बारे में पता चले, इंटरेस्टिंग हो जाए मतलब ओवरऑल। पर यहाँ सब कुछ उल्टा है, मतलब बुक ज़्यादा इंटरेस्टिंग है इंस्टेड ऑफ सीरीज। इस सीरीज का जो स्क्रीन प्ले वो इतना स्लो है कि आपको नींद आ जाएगी इसको देखते देखते। मतलब मैं भी यही सोच के गया था कि एक मिनी वेब सीरीज और मेरा अच्छा टाइम पास हो जाएगा, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। और अगर आप इसको देखो तो इसकी जो स्टोरी है ना, उसको आप 6 दिन में कंप्लीट करना, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पे अच्छी और नॉन प्रिडिक्टेबल है, जो कि काफ़ी कम होता है किसी सीरीज और मूवीज के लिए। और एक्टिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पर पता चलता है कि जो नेपोटिज्म वाला अर्जुन कपूर है ना, वो यहाँ पे भी मतलब किसी की भी एक्टिंग इतनी अच्छी नहीं है। सबका काम मतलब बिलो द एवरेज है, और ज़्यादा कुछ अच्छा किया नहीं किसी ने। और फाइनली मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आपके पास कुछ और अच्छा देखने को तो आप देख सकते हो, क्योंकि जैसा कि मैंने बोला इसका स्क्रीन प्ले बहुत ज़्यादा स्लो है। आप इसको 6 दिन में करके देख सकते हो अगर आप देखना चाहते हो तो। और अगर आप बुक पढ़ सकते हो तो गाइज इसकी बुक पढ़ लो, आपको और ज़्यादा अच्छी लगेगी इसकी बुक। और गाइज मैं इस सीरीज को स्टार करूंगा 10 out of 5 stars। तो यार आज की मेरी वीडियो में बस इतना ही यार। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।